ओके, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा अब जैसे ही मैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कराऊंगा, इसके बाद हम एसिड बेसिस सॉल्ट से लेके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जितनी भी रिएक्शंस करेंगे सब में आप मुझे टाइप बताया करो, रिवाइज हो जाए। बेस्ट वे टू रिमेम्बर इज टू प्रैक्टिस। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। चलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब अगर दो या दो से ज्यादा, ठीक है, रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बने तो उसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्टेंट क्या होते थे? अगर मैं एक जनरल इक्वेशन लिखूं, ठीक है, तो उसके जो भी राइट साइड में होते हैं, ठीक है, राइट साइड में होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो सारे रिएक्टेंट्स होते हैं। सो अगर रिएक्टेंट्स दो या दो से ज्यादा है और प्रोडक्ट एक है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल लिख ले इसका एक। अच्छा, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है? हाँ, कॉपर, सॉरी, कार्बन सॉलिड फॉर्म में प्लस ओ टू गैसियस फॉर्म में इन प्रेजेंस ऑफ हीट बिकम्स व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दिस इज बर्निंग। बैलेंस कर दो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस का अपोजिट करते हैं। अच्छा, ये सिंबल का मतलब समझते हो? इससे ये भी डिस्कस कर लेंगे। देखा है, रिवर्सिबल, दिस इज रिवर्सिबल। ठीक है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। तो अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करूंगा तो H2O बन जाता है। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस से ही होता है। बैलेंस कर दो इसे, इससे जरूरत है बैलेंसिंग की। ठीक है, बैलेंस हो गया। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बिकम्स वाटर। नहीं, कैसी बात है? ये तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है बेसिकली। जैसे इलेक्ट्रो बेसिकली इसी का अपोजिट कर पढ़ेंगे तभी ये समझाऊंगा कि ये रिवर्सिबल क्यों है। बट जैसे ये दोनों चीजें कंबाइन होके क्या बना रही है? वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करने से क्या बन रहा है? वाटर। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। रिएक्शंस पूछ लेंगे कि ये किस टाइप का रिएक्शन, ABCD दे देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिस्कम्पोजिशन। ठीक है, कौन से टाइप का रिएक्शन? अब मान लो ये रिएक्शन लिख के दे दिया, क्या याद रहेंगे? ना, करते जाओ तो जाएंगे। सी, अगर मुश्किल पेपर आए तो आ सकता है, बट प्रे की ऐसा ना है क्योंकि तुम्हें ये चीज कभी नहीं आती। प्रिटी श्योर कि स्टेट ऑफ मैटर क्या है? सब मान लो, सब में चार ऑप्शन दे रखे हैं, सब कुछ सेम है, बस स्टेट ऑफ मैटर डिफरेंट, तो बड़ी दिक्कत होगी। और आ सकता है सब क्वेश्चन। ठीक है, क्या नहीं, अभी जरूरत नहीं।
लखमीर सिंह के सारे इक्वेशन लिख के दे दूंगा तुम्हें रट लो, बस की नहीं है तुम्हारे, कर रहे बस की है तो कर लेना, मैं लिख के दे दूंगा मुझे, मुझे देख के याद हो जाते हैं तो मैं क्या बोलूँगा अब आपको, हो जाएंगे तो देख, मैं आपको जैसे मैं साथ साथ देख, मैं आपको पता है कैसे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, रीड एंड पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ये आदत वाली बात है, तुम्हें भी हो जाएगी, जब जो बच्चे एक रात में पढ़ने वाले होते हैं ना उनको ये चीज बहुत अच्छे से आती है, पेज देख के याद करना क्या हो रहा है उसमें, एक रात में पूरी बुक पढ़ोगे तो यही हो जाएगा। नहीं मेरे में बहुत कीड़ा था, मैं नोट्स बनाता था ठीक है, याद हो जाते थे पर मैं नोट्स दोबारा कभी नहीं देखता, क्योंकि मुझे लगता है ना कि यार कुछ रह गया तो फिर मैं बुक फिर पढ़ता हूँ, तो इस चक्कर में मुझे पूरी पूरी बुक दोबारा पढ़ने की आदत, कभी सिलेबस कम्प्लीट नहीं हमारी लाइफ में। पोर्टल है ना तुम्हारे पास, तो कौन सा पोर्टल था, वही कह रहा हूँ मेरे पे नहीं थी ये सब चीजें बेटा, मेरे पे कुछ नहीं था, मैं कॉपी बनाते ही क्वेश्चन आंसर का से लाता, कैसी बातें कर रहा हूँ। बहुत डर होता है बेटा, बहुत डर है, अपने आप नींद खुल जाती है। ले ले कॉम्बिनेशन के कुछ एग्जांपल लिखते हैं, अभी तो खुला होना चाहिए। अच्छा एम जी बैलेंस सबको करते जाना, एम जी प्लस ओ टू बिकम्स एम जी ओ, ठीक है ये भी हीट से होता है ऐसे तो, बट ये नहीं भी लिखो तो चलेगा। C plus O2 CO2 H2 plus Cl2 HCl H2 plus Cl2 becomes HCl Na plus Cl2 हाँ Na plus Cl becomes NaCl और Fe plus S becomes FeS, fifth CaO plus H2O becomes CaOH, fourth choice। तुम देख रहे हो मैंने तुम्हें एक वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट बनाया और तुम सारे कंपाउंड्स अब खुद लिख सकते हो, तुम्हें बस पता होना चाहिए क्या हो रहा है। अगर तुम्हें पता है इन दोनों चीजों का ऐड करते कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, तुम पूरा रिएक्शन तुम एक तरीके से रट चुके, टेक्निकली तुम्हारे दिमाग में बस वैलेंसी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो रिएक्शन रटने नहीं होते बनाने होते, दिस इज द पार्ट वेयर इट बिकम्स मोर लाइक मैथमेटिक्स एंड लेस लाइक रटने वाले सब्जेक्ट्स, दिस इज द रीजन की केमिस्ट्री साइंस के अंदर आता है एंड आर्ट्स के अंदर नहीं आता शायद, क्योंकि देयर इज अ रीजन बिहाइंड की क्यों हो रहा है। And you, once you get that concept, that formula is what? Valency याद करना and कैसे form होते हैं वो याद करना, तो सब समझ जाओ। जब हम class लेंगे extra chemistry की, general chemistry की, तब मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन कौन से metal exist क्यों करते हैं, जैसे oxygen कैसे exist करता है, O2, hydrogen कैसे exist करता है, H2, ठीक है, लेकिन metals कैसे exist करते हैं, Na, ठीक है, Fe, क्यों, ये भी समझ आ जाएगा। एक बार ये चीजें समझ आ गई फिर तो क्या ही फर्क पड़ता है, फिर तो बस पता होना चाहिए कि इन दोनों का reaction से क्या बनता है, एंड देन हो गया काम, मेहनत बचेगी, बट प्लीज इस पढ़ाई की आदत मत डाल, क्योंकि हर साल सेम डे नहीं मिलता और मैं नहीं पढ़ाऊंगा हर साल, हर टाइप से पढ़ने की आदत होनी चाहिए, इसलिए बोलता हूँ अपने स्कूल में भी सुनो, कोशिश करो कि पढ़ लो, बिकॉज एक साल पढ़ रहे हो अभी, मेरे से 6 महीने पढ़ रहे हो, उसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, मुझे आता ही नहीं हूँ क्या पढ़ाऊंगा, दीपक सर से पढ़ोगे, दीपक सर भी अच्छा पढ़ा, दीपक सर बहुत अच्छा पढ़ाते, दीपक सर से मैं पढ़ा हुआ सोच ही लोगे तो पढ़ा, तो दीपक सर की बेस्ट बात पता है क्या है कि दीपक सर ना, मतलब तुमने देखा है कि एक चीज नोटिस करी तुमने, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑब्वियसली पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो आई कुड बी रॉन्ग समटाइम्स, द ब्यूटीफुल पार्ट इज ही इज नेवर रॉन्ग, ही इज नेवर रॉन्ग, ही इज एक्चुअली नेवर रॉन्ग, मतलब मैं गलत तो चलो नहीं भी होता हूँ बट मैं कंफ्यूज होता हूँ,
अच्छा एक्सपीरियंस है ना इतने सालों का. एंड द अगेन द अदर बेस्ट थिंग इज ही नेवर टीचेस एनीथिंग रॉन्ग. गलत भी नहीं पढ़ाते हो. कभी कभी कुछ टीचर्स आपकी लाइफ में ऐसे मिलेंगे जो कभी कभी गलत भी पढ़ा देंगे. एक्सपीरियंस होता है ना बड़े पढ़ाते हैं ना. ठीक है आई कुड टीच यू इन अ बेटर वे. आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. बट एक्सपीरियंस जो टीचर्स होते हैं ना एक अच्छी बात आपको हमेशा उनसे पता है क्या मिलेगी कि यू द मोमेंट यू गिव देम अ क्वेश्चन दे आर नॉट डूइंग विद यू. दे नो द आंसर. तुम्हें पता है कैसे करना है. दे ऑलरेडी नो द आंसर. मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है तो ऑनली रीजन की आप लोग ज्यादा रिलेट कर पाते हो तो सॉल्विंग विद यू. तो जो आप एरर्स करोगे मुझे पता होता है. उनको शायद एरर भी ना पता हो क्योंकि उन्होंने करी नहीं हो गलतियाँ. उनको पता ही नहीं है गलतियाँ क्या होती है. दैट इज द रीजन. तो एक्सपीरियंस का बेनिफिट और नुकसान दोनों होता है. दोनों चीज होती है. बट डोंट वरी अगर 11th में यहाँ पे रहोगे तो मैं तो रहूंगा नहीं. कॉमर्स के लिए हम सिर्फ कॉमर्स पढ़ाते हैं यार. क्यों 10 सब्जेक्ट्स पढ़ाने जब स्पेशलाइजेशन ना. मैं नहीं पढ़ाऊंगा 11th 12th में. पढ़ लेना जितना पढ़ना है. ठीक है मतलब बेटा मैथ्स जब सर पढ़ाएंगे आपको 11th 12th में मैथ्स वो पढ़ा. एनीवे चलो आगे गए. मैं तो कह रहा हूँ तुम गंदे नहीं. मैं भी जा रहा हूँ ब्लॉग सिर्फ मैं यश को करूंगा. यश को ब्लॉग करूंगा. यश नाम ही बताएगा ना इंस्टा को ब्लॉग करना. बहुत सारे ऐसे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं. मैं एक बार लिख के दे दूंगा आपको. नेक्स्ट टाइप के रिएक्शंस की बात करते हैं. एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक तो ठीक है. डीकम्पोजिशन करते हैं. जस्ट इसका अपोजिट डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन प्लीज बैलेंस कर लेना सारे चेक कर लेना. एनीवेज तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं. अब डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि वन रिएक्टेंट स्प्लिट्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स. सिंपल इनफ. पहले में दो और मोर रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा था. अब क्या हो रहा है एक रिएक्टेंट से दो और मोर प्रोडक्ट बन रहे. ठीक है अच्छा. अब इसका मुश्किल एग्जांपल लेते हैं. नाम ही बता देना कंपाउंड का. मान लो पीबी. गुड. NO3. अब बताओ क्या है. गुड. टॉप करेगा तो तन्नी. मैं आपको बोला कुछ भी पूछ लो. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है. कुछ भी बोला है. और कुछ भी तो मैं पूछ ही सकता हूँ. हार्ट इज एन इनवॉलंटरी और वॉलंटरी मसल. क्वेश्चन का आंसर दे. वॉलंटरी और इनवॉलंटरी. बीटिंग ऑफ हार्ट इज वॉलंटरी और इनवॉलंटरी. मुझे पता आंसर दे. हाँ ना जो बाय आती है. बकवास लगने और आने नहीं में डिफरेंस होता. बकवास तो मुझे रिलेशंस भी लगते हैं. मेंटेन करता हूँ ना. और क्या मतलब देयर इज अ पॉइंट बीइंग कि मतलब मे बी यू कैन नॉट नो समथिंग. मान ले किसी को कुकिंग नहीं पसंद है बट उसे आती है. हाँ बता रहा हूँ. आई जस्ट लुक फॉर पीपल हु आर स्मार्ट. आई जस्ट लुक फॉर पीपल हु आर स्मार्ट. इफ यू आर स्मार्ट एनफ आई विल बी टॉकिंग टू यू. यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट एनफ. आई डोंट केयर व्हाट मार्क्स यू स्कोर. आई डोंट केयर हाउ ब्राइट यू आर. आई जस्ट लुक फॉर टू थिंग्स. यू शुड बी रिस्पेक्टेबल. यू शुड बी स्मार्ट. Just the two things. And smart does not mean academically smart. किसी भी फील्ड में स्मार्ट हो आप. जो करना चाहते हो जो लाइफ में बनना चाहते हो उसकी तरफ वॉक कर रहे हो. आई रेस्पेक्ट यू.
अगर आप कुछ बनना चाहते हो और मुझसे बहुत दूर हो तो फिर आप क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, तो मैं क्या बात। पढ़ाना गाइड करना डिफरेंट थिंग, रिस्पेक्टिंग यू इज अ डिफरेंट थिंग एंड आई कैन रिस्पेक्ट यू। बेसिकली रिस्पेक्ट इज समथिंग दैट कम फ्रॉम योर वर्क, सो आई डू रिस्पेक्ट सम स्टूडेंट्स, आई डू नॉट रिस्पेक्ट सम स्टूडेंट्स, आई विल नॉट टेक नेम्स, बट एवरी वन ऑफ यू मैं किसको रिस्पेक्ट करता हूँ किसको नहीं करता पता होता है सर, ठीक है, इट्स जस्ट द वे यू टॉक टू पीपल, रिमेम्बर दैट। चलो ये रिएक्शन लिखा, बैलेंस्ड है, कर तो दिया बैलेंस। तो ये क्या है, ये लिख देता हूं उनके नाम। हाँ सॉरी, लेड नाइट्रेट बिकम्स लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड क्यों? क्योंकि ये और भी ऑक्साइड फॉर्म करता है, प्लस ऑक्सीजन। मैंने आप लोग के साथ डिस्कस करा था क्या कि कोविड टेस्ट में सीटी स्कोर क्या होता है? कोई नहीं कह रहा, कोई ना कह रहा था, पता है तुझे? मैं वैसे पूछूं तुम्हें पता है सीटी स्कोर क्या होता है? सुना होगा ना, नहीं मतलब तूने नहीं करा तो क्या हुआ, पता था ना, मतलब सुना तो होगा, नाम तो सुना, सीटी स्कोर कोविड टेस्ट में सीटी स्कोर आता है, बताता हूँ रुक जाओ। सीटी स्कोर इज बेसिकली, सीटी स्कोर में सीटी स्कैन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो डिफरेंट है, वो सीटी सीवियरिटी स्कोर होता है, वो बेसिकली बताता है कि आपके जो टोटल कितने नोट्स है लंग्स में, टोटल 20 कितने होते हैं, 22 नोट्स होते हैं शायद, उसमें से कितने ब्लॉक्ड है, ठीक है, माय फादर हैड 18, दैट्स व्हाई ही वाज सीवियर, सो या ही इज राइट फ्रॉम मतलब हॉस्पिटल से, मतलब ही इज कम बैक, सो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। एनीवेज दैट इज द रीजन व्हाई आई एम टीचिंग, जस्ट फॉर पीपल हु डोंट, सो वो बातें भूल जाते हैं काम की बात करते हैं थोड़ी। सो What happens is CT score and CT severity are different things. CT score का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट होता है, ब्लड सैंपल कलेक्ट होता है, उसमें पहला एक बार टेस्ट करते हैं सैंपल को, एंड वो क्या चेक करते हैं, वो चेक करते हैं कि क्या कोविड के वो जो कोविड के जो एंटीजन है वो है या नहीं है, पहला टेस्ट हुआ नहीं आया, ठीक है, तो जितने ज्यादा टेस्ट होते हैं ना, जितनी ज्यादा साइकिल होती है उतनी ज्यादा बार भी नहीं आया, मतलब वो स्कोर होता है कि जितनी बार टेस्ट करा उसके बाद भी नहीं आ रहा था, वो होता है, इसलिए क्या बोलते हैं जितना ज्यादा है उतना अच्छा है। अगर आपका कितना एक पर्टिकुलर होता है जिसके बाद एसिम्प्टोमेटिक बोल देते हैं कि है ही नहीं आपको कोविड, एसिम्प्टोमेटिक मतलब कोविड ही नहीं है, मतलब इतनी बार उस सैंपल को टेस्ट करा एंड उसके बाद भी कोविड दिख ही नहीं रहा उसमें, तो ये जो हम लोग सोचते हैं दिमाग में क्या रखता होगा कि एक बार ब्लड सैंपल ले जाते हैं कि उसमें ढूंढते होंगे कितने हैं, बताते होंगे टेस्ट है नहीं, ऐसे नहीं होते काम, दिस इज द एक ही सैंपल, क्योंकि इतना छोटा सैंपल होता है उसी सैंपल में मल्टीपल, दिस इज द रीजन। नहीं 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 इसी इसी ये जो अनिष्का ने जो पॉइंट कहा ना वही एग्जैक्ट रीजन है कि सीटी स्कोर जो होता है वो सीवियरिटी ऑफ कोविड नहीं दिखाता, वो बस डिटेक्ट करता है कोविड है, क्योंकि वो कहाँ सैंपल लेते हैं, थ्रोट से सैंपल लेते हैं, जस्ट बिकॉज थ्रोट में इनफ कोविड नहीं फैला हुआ डजंट मीन ना कि लंग्स में भी नहीं फैला हुआ, सैंपल लंग्स से तो लेते नहीं है, थ्रोट से लेते हैं, इसीलिए अगर वो बहुत कम भी हो ना तो मे बी आपका कोविड गले में बहुत ज्यादा है, ठीक है, एंड देन लंग्स तक नहीं पहुंचा, इवेंचुअली पहुंचेगा, लेकिन वो कम है ना तब भी हो सकता है कि लंग्स में ऑलरेडी कोविड ज्यादा है, तो दैट इज ओनली टू टेस्ट कि कोविड पॉजिटिव है या नहीं है, दैट इज नॉट कि कितना सीवियर है, काफी लोग उसे स्टार्टिंग में बोलते थे कि अगर बहुत कम है ना तो बहुत सीवियर है, डज नॉट मीन दैट, और बहुत ज्यादा है तो बहुत कम सीवियर है, डज नॉट मीन दैट, वो बस ये चेक कर रहा है, वो साइकिल चेक, कितनी बार रिपीटेशन कर रहे हो आप उस सैंपल पे टेस्ट करने के लिए कि वो कितना है, तो बहुत मजेदार बात है, क्योंकि ये मैंने क्यों बताया आपको, दिस इज द राइट मिक्सचर बिटवीन ऑल द सब्जेक्ट्स, की थोड़ी बायोलॉजी है टेस्टिंग ऑफ अ सैंपल की क्या कौन सा आपको एंटीजन ढूंढ रहे हो, ठीक है, थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स है कि कितनी बार सैंपल्स मल्टीपल टाइम कर रहे हो, दूसरी बात दूसरा क्या है कि मिसकंसेप्शंस, नॉर्मल मिसकंसेप्शन मैथमेटिक्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये पूछूं, नॉर्मल मिसकंसेप्शन बताता हूँ मैथमेटिक्स का, ठीक है, इन दोनों में से ज्यादा डिफरेंस किस में है? चलो ठीक है, एग्जैक्टली माय पॉइंट, मैंने स्केल तो बताया नहीं, दिस इज नोन एज नॉर्मल मिसकंसेप्शन, कि मतलब आपको नहीं पता था यूनिट्स बट आपने अज्यूम करा सीवी तो होंगे,
So mathematics does not work on this assumption. Unless I know what is the scale, what is the comparison scale, तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकता. For example, मैं बोलूं कि Anushka is better than me, ठीक है? आप बोलोगे हाँ maybe. But I'm saying in what? Compared to what? Giving what grounds? अब मेरी उससे ज़्यादा age है, तो obviously life experience ज़्यादा है, पढ़ाई ज़्यादा कर रखी है, तो maybe academically मैं ज़्यादा strong होऊँगा. ठीक है, बट कोई ऐसी चीज बात करते हैं जो हम दोनों ही एक सेम अमाउंट ऑफ करते हैं. ठीक है, मान लो वाचिंग मूवीज, उसने भी 200 मूवी देखी है, मैंने भी 200 मूवी देखी है, देन मैं बोलूं कि अगर वो बेटर है मेरे से मूवी देखने में, ठीक है, या फिर मूवी एनालाइज करने में, इट इज अ वैलिड कंपैरिजन. इन द अदर केस ग्राउंड्स आर नॉट सेम, इट इज नॉट अ वैलिड कंपैरिजन. दिस इज द रीजन जब बच्चे कंपेयर करते हैं ना क्लास में कि वो टॉप क्यों कर रहा है, ये टॉप क्यों नहीं कर रहा है, इट इज अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट इट इज ही व्हाट एल्स ही इज गुड एट. ठीक है, वी आर नॉट गिविंग ऑल द फैक्टर्स. जो टॉपर है हम उसका ये कंसिडर नहीं कर रहे कि उसको और क्या क्या चीजें नहीं आती जो हमें आती. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द रीजन आई नेवर से कोई किससे बेकार है, आई एम जस्ट सेइंग कि आपसे बेकार हो, जिस लेवल पे आप आए थे उसी लेवल पे हो, ये प्रॉब्लम है. ओनली रीजन आई एम शेयरिंग योर रिपोर्ट्स इज बिकॉज कि क्या कर रहे हो आप. ठीक है, एंड व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब आप ग्राफ शेयर होंगे, रिपोर्ट जब शेयर करोगे, तो आप देखोगे कैसे क्लास हाइएस्ट बढ़ी है, कैसे क्लास एवरेज बढ़ी है, लेकिन कैसे आपके मार्क्स स्टैगनेंट है. व्हाट दिस मींस कि सबके मार्क्स बढ़ रहे हैं पर आपके क्यों नहीं बढ़ रहे. दिस इज व्हाट कंपैरिजन ऑफ इंप्रूवमेंट स्केल, डिफरेंसेस रादर देन एब्सोल्यूट चेंज. दिस इज रिलेटिव चेंज, समझते हो इसका मतलब. बहुत अच्छे अच्छे वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं. रिलेटिव चेंज मतलब आप जो इनिशियल पे थे उससे अब मान लो तन्मय पहले 10 नंबर लाता था, अब 50 नंबर लाता है, उसने कितने परसेंट इंक्रीज करा, बोल 5%. अरे यार कैसी बताना है, कितनी परसेंट इंक्रीज, 10% पे था तन्मय, अब वो 50% पे है. ठीक है, 10% पे था, अब वो 50% पे है. ठीक है, अब मैंने कहा कितने टाइम्स इंक्रीज करा उसने, तो कितने टाइम्स इंक्रीज करा, 4 टाइम्स इंक्रीज करा. ठीक है, तो परसेंटेज कितनी हुई, 5 times कितनी परसेंटेज होती है, 1 time is 100%, 5 times is 500%, 5 times बेटर हुआ है वो. एग्जिस्ट करता है किसने का नहीं करता. मान ले तेरी हाइट अभी कितनी है, ठीक है, तेरी हाइट अभी जितनी भी हो, मान ले फॉर नॉर्मल कंपैरिजन 6 बोलते हैं, 6 है तेरी हाइट. ठीक है, यश की हाइट हम बोलते हैं 5 है. ठीक है, तेरी हाइट 5 लेते हैं, यश की हाइट 4 लेते हैं, तो उसकी 80% तेरी हाइट है. ठीक है, अब यश अगले साल हो जाता है कितने हाइट का, यश हो जाता है अगले साल 7 हाइट का, तो अब उसकी हाइट तेरे से तो 140% हो गई ना. 100 लेते हैं तेरी हाइट 100 है, यश की हाइट 80 है, अभी 80% है तेरी हाइट की, अब यश की हाइट 120 हो गई, तो तेरी 120% हो गया ना. अरे यार मतलब मैं नहीं बढ़े तो नहीं बढ़ती लड़की, एक एज के बाद है ना लड़के खंभे हो जाते हैं एकदम से. क्या होता है ना ऐसा, मतलब एकदम से लड़कों की हाइट शूट करती है ना, लड़कियों की ग्रेजुअल हाइट इंक्रीज होती है. तो साइंटिफिक फैक्ट, दिस इज नॉट अ सेक्सिस्ट कमेंट. दिस ग्रेजुअल होती है, लड़कियों की हाइट ग्रेजुअल इंक्रीज होती है, लड़कों की हाइट इज एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, एकदम से होती है, एक एज पे एक्सपोनेंशियली हो जाती है उनकी एज. क्योंकि आई रिमेंबर कि मेरी फ्रेंड्स मेरे से मतलब बड़ी हुआ करती थी, अंदर एक्चुअली मतलब उनसे मैं लंबा हो गया 2 साल के ड्यूरेशन के अंदर. तो फिर मतलब लड़कियों की एवरेज छोटी होती है, सब तेजी लंबी नहीं होती. मेरी वैसे भी एवरेज हाइट, मेरी मतलब इंडिया की एवरेज हाइट के अकॉर्डिंग एवरेज हाइट है ना, क्या मेरी 5'5" है. हाँ तो पता है मुझे तेरी 5'5" है, मेरी एग्जैक्टली 5'5" है. मेरा इंस्टीट्यूट से देखा है, कितनी बातें करते हो, मतलब या तो मेरा इंस्टीट्यूट करा हो. अच्छा एनीवेज कंटिन्यू करते हैं, डीकम्पोजिशन के एग्जाम्पल लिख लेते थे. चेक करियो तो इंक्रीज हो गई होगी, मैं भी हो जाती हूँ. ठीक है, अच्छी बात है. कितनी है तेरी स्कूल के हेल्थ चेकअप से तुम्हें हाइट देखनी पड़ती है, तभी तुझे पता नहीं तेरी हाइट क्या है. पिछले 2 साल पहले कराई है और हाइट लेके बैठे हो, और तुम कन्वर्ट कर रहे हो, तुम्हें आता ही नहीं है. इसमें हम अच्छे, इसमें अंडरस्टैंड नहीं देते. ठीक
ऐसे सोल्यूशन तुम्हें करवाना भी नहीं होता बेटा, पेपर कैसे दोगे? अच्छा हेल्थ चेकअप की बात कर रहे हैं। नहीं यार, हमारे दांत भी चेक कर रहे थे यार, कैसी बातें कर रहे हैं। आई साइड भी चेक करी थी। चलो ये लिख लो, ये लिख लो भाई।